नमस्कार, वीकेबी न्यूज के मॉर्निंग टाइम न्यूज में मैं ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में 2022-23 सत्र के लिए 13 जून से खुलेंगे सरकारी स्कूल। शिक्षा विभाग ने जारी किया पूरा शेड्यूल। कोर्ट ने कहा, प्रथम दृष्टा सबूत है कि मलिक सीधे मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल है। नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ी। और यूरोपीय देशों में तेजी से बढ़ रहे हैं मंकी पॉक्स के मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को स्थिति पर कड़ी नजर रखने के दिए निर्देश। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र में सभी सरकारी स्कूल 2022-23 शैक्षणिक वर्ष के लिए 13 जून से शुरू होंगे। शिक्षा विभाग ने इसकी घोषणा की। शिक्षा विभाग द्वारा घोषित शेड्यूल के अनुसार 2022-23 शैक्षणिक सत्र में कुल 237 कार्य दिवस होंगे। वहीं शैक्षणिक वर्ष का पहला कार्यकाल अक्टूबर में समाप्त होगा और दूसरा कार्यकाल 9 नवंबर से शुरू होगा। विभाग द्वारा जारी शेड्यूल के सर्कुलर के मुताबिक 2022 और 23 सत्र में रविवार के दिन 5 सार्वजनिक अवकाश होंगे, जिनका शिक्षक या अध्यापक बाद में लाभ नहीं ले सकेंगे। हालांकि शिक्षक व छात्र इस सत्र के दौरान पढ़ने वाले 20 अतिरिक्त सार्वजनिक अवकाश का लाभ ले सकेंगे। दिवाली के लिए 26 और गर्मी की छुट्टियों के लिए 36 अवकाश होंगे। इसके अलावा 4 आरक्षित अवकाश होंगे। कुल मिलाकर छात्रों और शिक्षकों को पूरे शैक्षणिक वर्ष में 76 अवकाश मिलेंगे। इसके अलावा 52 रविवारों को जोड़ दे तो सत्र के दौरान शिक्षकों और छात्रों को कुल 128 छुट्टियां मिलेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के विमान को शुक्रवार देर रात इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इससे आगरा में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों में खलबली मच गई। खबर मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी एयरपोर्ट पर पहुंच गए। खेरिया मोड़ हवाई एयरपोर्ट से लेकर सर्किट हाउस तक भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया। दिल्ली के मौसम खराब होने की वजह से आगरा में रक्षा मंत्री के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। करीब 30 मिनट तक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आगरा एयरपोर्ट पर रुके। जैसे ही दिल्ली में मौसम साफ हुआ तो उनका विमान आगरा से रवाना हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार रात में लखनऊ से दिल्ली के लिए विमान से रवाना हुए। रात में अचानक दिल्ली का मौसम खराब हो गया था, इसके चलते अचानक आगरा एयरपोर्ट पर रक्षा मंत्री के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। इसकी सूचना पुलिस और प्रशासन को मिली तो अधिकारियों में खलबली मच गई। एयरपोर्ट पर आगरा ADG, आगरा IEG, SSP और पुलिस के साथ ही प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंच गए। एयरपोर्ट से सर्किट हाउस तक की सड़कों पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। वायरलेस पर यह सूचना दी गई कि रक्षा मंत्री सर्किट हाउस में पहुंच सकते हैं, इसीलिए सभी ड्यूटी पर पहुंचे थे। दिल्ली में खराब मौसम की वजह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 30 मिनट तक एयरपोर्ट पर रुके। इसके बाद जब दिल्ली का मौसम सही हुआ तो रक्षा मंत्री विमान से दिल्ली रवाना हो गए। एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को NCP मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान लिया और कहा कि इस बात के प्रथम दृष्टा सबूत है कि मलिक सीधे तौर पर और जानबूझकर कुर्ला में गोवा वाला परिसर को हड़पने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक साजिश में शामिल थे। अदालत ने मलिक और 1993 बम धमाकों के आरोपी सरदार शाहवाली खान के खिलाफ प्रक्रिया जारी की है, जिसका नाम भी इस मामले में है। विशेष न्यायाधीश राहुल N. रोकड़े ने कहा, आरोपी नवाब मलिक ने डी कंपनी के सदस्यों यानी हसीना पारकर, सलीम पटेल और सरदार खान के साथ मिलकर मुनीरा प्लम्बर की प्रमुख संपत्ति को हड़पने के लिए आपराधिक साजिश रची थी। अदालत ने आगे कहा कि इसीलिए मलिक ने पारकर और अन्य की मिलीभगत से संपत्ति हड़प ली थी, जो धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अपराध की आय थी। आगे कहा गया कि अपराध की आय का अधिग्रहण अवैध गतिविधियों से उत्पन्न होता है। विशेष न्यायाधीश ने कहा कि प्रथम दृष्टया सबूत है कि आरोपी सीधे और जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग अपराध में शामिल है, इसीलिए वह PMLA की धारा 3 के तहत परिभाषित मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए जिम्मेदार है और धारा 4 के तहत दंड के लिए उत्तरदायी है। वहीं मलिक के खिलाफ ईडी के आरोप पत्र में कहा गया है कि मलिक ने एक सर्वेक्षक के माध्यम से गोवा वाला परिसर में अवैध किराएदारों का सर्वे किया था और सर्वेयर के साथ समन्वय के लिए सरदार शाहवाली खान की मदद ली थी।
ईडी ने अपने आरोप पत्र में ये भी कहा है कि मलिक ने हसीना पारकर व सरदार खान के साथ परिसर पर कब्जा करने के लिए कई बैठकें की थी। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की शनिवार को 31वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। दिल्ली स्थित राजीव गांधी की समाधि स्थल वीर भूमि पर श्रद्धांजलि देने का क्रम लगातार जारी है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भी वीर भूमि पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा कांग्रेस नेता पी चिदंबरम और सचिन पायलट ने भी पूर्व पीएम राजीव गांधी की 31वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व पीएम राजीव गांधी को याद किया। मोदी ने कहा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। यूरोपीय देशों में मंकी पॉक्स के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। WHO अलर्ट मोड पर आ गया है। अब भारत सरकार ने भी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को स्थिति पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया है। बेल्जियम, जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड और ब्रिटेन में यह बीमारी पांव पसार रही है। इसके अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी मंकी पॉक्स एंट्री ले रही है। कुछ विशेषज्ञों की ओर से दावा किया जा रहा है कि ये बीमारी महामारी की ओर बढ़ रही है, इसलिए इसे महामारी घोषित किया जाए। संक्रमित होने के 5 दिन के भीतर बुखार, तेज सिर दर्द, सूजन, पीठ दर्द, मांसपेशियों में दर्द और थकान, मंकी पॉक्स शुरुआत में चिकन पॉक्स, खसरा या चेचक जैसा दिखता है। बुखार होने के 1 से 3 दिन बाद त्वचा पर इसका असर, हाथ, पैर और चेहरे पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। बाद में कल पुणे में राज ठाकरे इनकी सभा आयोजित की गई है। इसमें सच्चा हिंदुत्व क्या होता है ये दिख जाएगा, ऐसी प्रतिक्रिया मनसे प्रवक्ता गजानन काले इन्होंने दी है। साथ ही लोगों को कल इस सभा में आने के लिए भी आवाहन किया। आम्हाला संरक्षण देण्याची भाषा या महाराष्ट्रात कोणीतरी करतोय, त्यांनी विसरू नये की लखनऊ मध्ये तुम्हाला एका शिवसैनिकांनीच काळीशाही फेकून तुम्हाला तोंडाला काळं पासलं होतं। उद्यापर्यंत वाट बघा, तुमच्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर मिळतील। या नकली आणि भेसळयुक्त हिंदुत्ववाल्यांची बांग उद्या कायमची बंद होणार, तर बेगडी धर्मनिरपेक्षतावाल्यांचे बुरके टराटरा फाटणार। ज्वलंत आणि जाज्वल्य हिंदुत्व
याची गर्जना उद्या पुणे येथे ऐकायला नक्की या. वीकेबी न्यूज के मॉर्निंग टाइम न्यूज में बस इतना ही. फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ. तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज. नमस्कार.